ठीक है, वीडियो भी लग के भेज देख ला। अभी जिले में किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई लक्षण पाया गया व्यक्ति भी नहीं है, ना कोई पॉजिटिव वाला व्यक्ति तो है ही नहीं है, इसलिए लोगों को कोई भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि ये इस प्रकार की महामारी है कि जितनी भी और प्रिवेंशन ले और क्या कहेंगे माने तैयार रहे तो उतनी मतलब बेहतर है। इसीलिए जो 3 दिन के लिए जो माने पूरा का पूरा 144 धारा के अंतर्गत लोगों को घर पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है, इसको सब लोगों को अक्षरशः पालन करना है। और आवश्यक वस्तुओं के लिए हम लोग बार बार मैं बता रहे हैं कि समय दिया जा रहा है, और हम लोग ये भी कार्रवाई कर रहे हैं कोई ना कोई मतलब सामग्री उसको होर्डिंग ना करें, इकट्ठा ना करें, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और लोगों को समय मिल जाएगी आराम से अपनी आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए। सभी लोग मिलकर इसको घर पर रह के जितनी मिनिमम मूवमेंट करें उतनी आसानी से अपन सब लोग फेस कर सकते हैं। और जरूर मुख्य रूप से जो भी लोग बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश के बाहर काम करते हुए और जो पढ़ाई करते हुए कई लोग अभी लौट के आए हैं सिंगरौली जिला में, इस जिला के निवासी है, उन सबसे मैंने स्पेशल अपील है कि उनको 14 दिन तक घर पे ही अपना होम क्वारंटाइन करने के लिए निर्देशित किया गया है। वो लोग अपनी जान को भी जोखिम में ना डालें और दूसरों को भी माने प्रॉब्लम ना लाए, उनको जरूर 100% अपना घर पर ही रहना है। सर सभी जिले में सर ऐसे कितने लोग हैं चिन्हित हैं जो बाहर से आए हैं? मैंने कल की मेरी टोटल कम से कम 70 लोग थे, आज सुबह भी लगातार और सूचना आए थे कि मैंने लोग बाहर से और आए हुए हैं, अभी मेरी जानकारी में कम से कम 100 लोग मैंने है ऐसा जिनको उनको अपना घर पर ही रहने के लिए उनको हिदायत दी गई, और उन सबको मैंने हेच लिखा भी जा रहा है होम क्वारंटाइन का, और स्टाम्प भी बनाया जा रहा है जिनको उनका हाथ पर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। कुछ लोग विदेश से भी आए हैं, विदेश से आए हुए व्यक्तियों की संख्या 12 है ना, जो आपको सूची अभी मैंने व्हाट्सएप पे दी जा रही थी, उसमें तो कई लोग तो जिनको मैंने 28 दिन भी हो चुका है, अभी लास्ट वाले जो मैंने 7 दिन 14 दिन वाले वो भी सभी स्टेबल है अपने घर पर है, उनसे तो लगातार हर दिन भी बात हो रही है, हर दिन भी टीम चेक कर रही है उनके घर पर जाकर कि वो लोग घर के अंदर ही सीमित है या नहीं, है ना। ठीक है पर और इस प्रकार का अफवाह फैलाई गई थी कि बड़गवा में हिंडालको में कार्यरत एक व्यक्ति को पॉजिटिव केस पाया गया है और उसके कारण बहुत लोगों को खतरा हो गया, जबकि सच्चाई ये थी कि वो व्यक्ति बाहर से तो आया था, कोई लक्षण नहीं पाया गया था, डॉक्टर का टीम उसको पहले ही उसको जांच करके चेक कर लिया था और SDM ने भी खुद सुनिश्चित किया था, TA भी गए थे कि उनको अपना घर पर ही रहने के लिए हिदायत दी गई थी, वो अपना घर पर ही रुके हुए थे, क्योंकि कोई आधार ना होते हुए भी पॉजिटिव मतलब पाया गया ऐसा लिख के लोगों को मैंने भ्रामक जानकारी दी गई थी और लोगों को एक डर पैदा किया गया था, इसीलिए उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्रवाई की।